ये बारिश के सीजन में कॉमन बीमारी है। यह देखने से ना फैलकर छूने से ज़्यादा फैलता है और वायरस की एंट्री जब भी बॉडी में होती है तो किसी किसी में बुखार, सर्दी, जुकाम भी हमको देखने को मिलता है। देखिए, वैसे तो देखिए ये इन्फेक्टिव कंडीशन होती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए, बर्फ़ को रुमाल में रख के ठंडी सिकाई करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ब्लैक चश्मा हो या वाइट चश्मा हो, डेफिनेटली आपको लगा के जाएंगे तो प्रोटेक्शन रहता है उससे। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। का तेजी से कहर देखा जा रहा है और इसकी चपेट में कई लोग आते जा रहे हैं, जिसको लेकर कई तरीके की सावधानियां भी रखने की आवश्यकता है और डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखिए। इसके अलावा चश्मा लगाकर रखें और दूसरे से नजरें कम मिलाएं। तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खुराना जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये बीमारी कब शुरू हुई थी और कैसे इसका बचाव है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस में। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि ये जो आई फ्लू वायरस है, ये कब आया और अभी तक कितने इसके पेशेंट छतरपुर में देखे हैं? जी, ये जो अभी इस समय पे आई फ्लू या वायरल कंजंक्टिवाइटिस भी इसको बोलते हैं, ये करीब पिछले 8 या 10 दिन से मान लें आप बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। और वैसे तो ये बारिश के सीजन में अमूमन होता है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग चपेट में आए। तो इस समय पर जो हम लोग ओपीडी देखते हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि 60% जो ओपीडी है उसमें यही सिम्टम्स जो है, मतलब लक्षण जो कंजंक्टिवाइटिस में आते हैं, उसी के मरीज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में संख्या तो काफ़ी बढ़ रही है, तो लोगों को सुझाव आप क्या देंगे, कैसे लोग एक दूसरे से बचें जिससे कि ये बीमारी और अधिक ना बढ़ पाए? पहली चीज़ तो मैं सभी को यह बताना चाहूँगा कि ये आई फ्लू या रेड आई या वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो होता है, यह देखने से ना फैलकर छूने से ज़्यादा फैलता है। तो वायरल इन्फेक्शन जिस तरीके से बॉडी में वायरस जाता है, उसी तरीके से आँख का जो सफ़ेद भाग होता है, जिसको कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें वायरस के छुपने का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो वायरस जब वहाँ अटैक करता है तो आँख में इन्फ्लेमेशन, पूरा लालिमा छा जाती है, खून जैसे धब्बे दिखने लगते हैं, आंसू, कीचड़, सूजन आने लगती है। तो उसके कारण यह इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है और वायरस की एंट्री जब भी बॉडी में होती है तो किसी किसी में बुखार, सर्दी, जुकाम भी हमको देखने को मिलता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैंड वॉश करना चाहिए, बार बार हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए। हाथ जितनी बार आप सैनिटाइज करेंगे उतना अच्छा है। और अगर आप किसी को दवाई डाल रहे हैं या खुद दवाई डालने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हाथ सैनिटाइज ज़रूर करें, तभी दवाई डालें। और काला चश्मे का उपयोग दिन भर करें ताकि दूसरे लोगों को हम इसको ट्रांसफर ना कर पाए। इसकी वजह से लक्षण क्या हैं जिससे अमूमन ज़्यादातर लोगों को ये देखने को मिलते हैं? इसमें जो इस समय पर हमको देखने को मिल रहा है, वैसे तो देखिए हर साल यह वायरस एक्टिव होता है, ये बारिश के सीज़न में कॉमन बीमारी है, लेकिन इस साल आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर में आर्द्रता ज़्यादा है, इसलिए यह वायरस ज़्यादा एक्टिव है और बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। तो इसमें जो मेन लक्षण आँखों में आते हैं वह है लालिमा, खून जैसे आँखों में धब्बे आना, कीचड़ आना, आँख चिपकना और दर्द और चुभन होना, यह मेन लक्षण आँखों में देखने को आया है। और किसी किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ भी यह सिम्टम, यह बीमारी देखने को आया है। इस बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं उनको क्या मतलब आप सुझाव देना चाहेंगे, कैसे ट्रीटमेंट कराएं? और ड्रॉप भी जो है वो चूँकि आँख का सवाल है तो वो गंभीर चल रहती है, इसलिए कौन सा ड्रॉप डालें जिससे जो उनको कोई दिक्कत ना हो पाए? देखिए, वैसे तो देखिए ये इन्फेक्टिव कंडीशन होती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए, बर्फ़ को रुमाल में रख के ठंडी सिकाई करना चाहिए। दूसरा, आजकल एक कॉमन ड्रॉप आता है मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन के नाम से, जो एक एंटीबायोटिक होता है, इसको आप घर में किसी भी बच्चे को या बड़े को जरूर डाल सकते हैं, 4 से 6 बार एक एक बूंद इसका उपयोग कर सकते हैं।
अगर आपको दिखता है कि दो दिन में बच्चा या बड़ा ठीक नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर की सलाह के साथ दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है वहाँ पर भी एक अनाउंसमेंट करवा दिया कि बच्चों को ब्लैक चश्मा लगा कर भेजें, तो क्या अगर कोई वाइट चश्मा लगाता है तो उससे भी बचाव हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए ब्लैक चश्मा हो या वाइट चश्मा हो डेफिनेटली आपको लगा के जाएंगे तो प्रोटेक्शन रहता है उससे, लेकिन ब्लैक चश्मा में एक फ़ायदा होता है कि चकाचौंधी या फोटोफोबिया या वाटरिंग आँख में कम होती है। बाकी आप वाइट चश्मा भी प्रोटेक्शन देता है, अगर आप प्रिकॉशन के रूप में लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वाइट चश्मा भी आप लगा सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस बीमारी में जो ग्रसित लोग हैं उन्हें आँख की रोशनी जाने जैसी समस्या भी हो सकती है, तो आप एक डॉक्टर हैं उसको लेकर क्या सलाह? देखिए यह एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, यह एक बताना मैं चाहूँगा, यह एक सिंपल बीमारी है, साधारण बीमारी है। यह कभी इस तरीके से आई में अटैक नहीं करती कि आपकी रोशनी चली जाए या आँख की पुतली खराब हो जाए या नस सूख जाए। इसका सेल्फ रिजॉल्विंग कोर्स होता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो 5 से 8 दिन के अंदर यह आँखों से अपने आप इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप डॉक्टर को दिखाएं और ट्रीटमेंट लें तो उससे आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और अगर किसी बच्चे को घर में है तो सबसे पहले उसको स्कूल से 2 से 3 दिन ज़रूर आप छुट्टी दिलाएं ताकि वह और बच्चे को इन्फेक्ट ना कर पाए स्कूल। इसके अलावा कोई ऐसी दवाई या कुछ ऐसा हो जिससे कि इस बीमारी से जल्दी राहत मिल सके और लोग अपने कामकाज पे शुरू कर सकें? जी, जैसा मैंने अभी बताया कि मॉक्सीफ्लॉक्सिन नामक जो ड्रॉप आता है, मॉक्सीफ्लॉक्सिन एक ऐसा ड्रॉप है जो एक आँख के लिए कॉमन एंटीबायोटिक होता है और यह वायरस बैक्टीरिया दोनों में काम करता है, और इसको आप एक एक बूंद दिन में 6 बार तक उपयोग कर सकते हैं। और एक लुब्रिकेंट कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज के नाम से आता है, उसको दिन में 1-1 बूंद 4 से 6 बार डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ आप घर में अपने आप मेडिकल स्टोर से लेकर भी, अगर कोई डॉक्टर तक नहीं आ पा रहा है, कई परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार मरीज डॉक्टर तक नहीं आ पाता, तो यह दोनों चीज़ें वो यूज़ कर सकता है। अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं या वह 2-3 दिन में आराम नहीं मिले तब वह आई स्पेशलिस्ट के पास आके संपर्क करें। इसका कहर पूरे देश में देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर है वो कहाँ पे आपको नज़र आया कि मतलब सबसे ज़्यादा बीमार यहाँ पे ग्रसित लोग दिखे हुए? देखिए वैसे तो इस साल कहना चाहिए कि यह बीमारी काफ़ी बड़े पैमाने पर है, तो जो चूँकि हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं और छतरपुर के अंदर तो उसको देखने को मिल ही रहा है, आसपास के जो क्षेत्र हैं ग्वालियर है, झांसी है, और इसके अलावा मैंने दिल्ली पंजाब हरियाणा के भी कई लोगों को इस बीमारी से ग्रसित देखा है। हमारे कुछ डॉक्टर से कॉन्टैक्ट होते हैं, कई बार हमारी कॉन्फ्रेंस में भी हमें पता चला कि यह बीमारी इस समय पर लगभग काफ़ी देश हिस्से का जो भारत का हिस्सा है उसमें अफेक्ट कर रही है। तो फिर से मैं यही कहूँगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस यह एक बीमारी है जो क्षणिक है, चली जाएगी। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अधिक गर्मी की वजह से ये होता है क्या? हाँ, गर्मी की वजह से तो ना कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जब भी बारिश होके हटती है तो मौसम में आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी जब भी बढ़ेगी तो वायरस जो इसका होता है, जो कीटाणु मेन होता है, वह एक्टिव हो जाता है। यह वायरस फिर आँखों पर अटैक करता है। चूँकि बाहर काफ़ी गंदगी रहती है, बाहर बारिश रहती है, तो यह आँखों में अपना छुपने का स्थान ढूंढता है, तो वायरस यह आँख पर अटैक करता है और इसीलिए ये बीमारी फैलती है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को भी संदेश देना चाहूँगा, वरदान एक्सप्रेस में जो लोग हैं उसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ठंडे पानी से आँखों को धोएं। दूसरा, इस समय पर जो फैला हुआ है ये आई फ्लू, घबराए नहीं। आपके कॉन्टैक्ट में अगर किसी कोई आता है तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ बार बार, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, मास्क का भी उपयोग करें और हाथ बार बार सैनिटाइज करें, तो डेफिनेटली आप इस बीमारी से जंग जीत सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कपिल खुराना, जिन्होंने बताया है कि आई फ्लू जो अभी वायरस फैल रहा है उससे आप कैसे बच सकते हैं और इसमें कौन सी सावधानियां रखना है, तमाम चीज़ों को लेकर डॉक्टर कपिल खुराना ने विस्तृत जानकारी दी है। तो आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिए और इसी तरीके के सुझाव और सलाह लेने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा